सो इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम. प्रोसेसिंग टाइम एंड ड्यू डेट्स फॉर सिक्स जॉब्स वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड एट अ वर्क सेंटर आर गिवन इन द टेबल. सो हमारे पास ये टेबल गिवन है एंड द एवरेज टार्डीनेस इन डेज. हमें क्या निकालना है? एवरेज टार्डीनेस यूजिंग शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल. सो हमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी. ये क्वेश्चन जो है हमें गेट 2018 टू मार्क्स में पूछा गया है. हमारे पास क्या है, ये टेबल गिवन है. ये प्रॉब्लम हमारे पास कहाँ से आती है, हमें पता है एन जॉब्स एंड वन मशीन के केस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटी रूल्स होते हैं. हमने पढ़ा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसपीटी रूल, एसपीटी यानी शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, देन ईडीडी रूल, अर्लीस्ट ड्यू डेट जिसको बोलते हैं, देन लास्ट कम फर्स्ट सर्व, स्लैक टाइम रिमेनिंग एंड रेंडम शेड्यूल. डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटी रूल्स होते हैं. उसमें से हमारे पास जो गेट के एग्जाम में ये शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम का हमें पूछा गया है क्वेश्चन. सो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम का मतलब क्या होता है, जिस भी जॉब का हमारे पास शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम यानी कि सबसे मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम होगा किसी भी जॉब का, उसको हम प्रायोरिटी देंगे. यानी कि सीक्वेंस में वो जॉब सबसे पहले जाएगी. ठीक है, तो सीक्वेंस हमारा क्या बन जाएगा, किस जॉब का प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम है. प्रोसेसिंग टाइम होता क्या है, उस जॉब को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम प्रोसेसिंग टाइम बोलते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एन जॉब्स है, एन मतलब 1, 2, 3 अप टू फाइनाइट नंबर ऑफ जॉब्स एंड वन मशीन. तो एक मशीन है, ठीक है, तो उस पे हमें एसपीटी रूल अप्लाई करना है. कैसे, पहले तो सीक्वेंस फाइंड आउट करो. सीक्वेंस क्या आ जाएगा, कौन सी जॉब पहले जाएगी, जिसका शॉर्टेस्ट किसका है हमारे पास, ए जॉब का. सो ए जॉब हमारे पास सबसे पहले जाएगी. देन सेकेंड नंबर पे मिनिमम किसका है प्रोसेसिंग टाइम, सी जॉब का. देन ई जॉब का. देन बी जॉब का. देन डी एंड एफ. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीक्वेंस. सो जैसे ही हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है, हम क्या करते हैं, एक टेबल में सीक्वेंस लिख लेते हैं, ए सी ई, ए सी ई, बी डी एफ. सो हम फ्लो टाइम निकालते हैं. फ्लो टाइम का क्या मतलब है, जो जॉब हमारे पास उस एक मशीन पे एंटर कब हुई एंड आउट कब हुई, उस पे वर्क होने कंप्लीट होने के बाद. सो हमारे पास क्या है, ए जॉब इन टाइम क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सबसे पहले वही जॉब जा रही है. देन उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना टाइम लगेगा ए जॉब को कंप्लीट होने में, 3 डेज, यूनिट्स डेज में. तो थर्ड डे पे वो बाहर आ जाएगी. सो जैसे ही थर्ड डे पे मशीन फ्री होती है, हम सी जॉब को एंटर करवा सकते हैं. तो कितना टाइम लगेगा, सी का प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 4. थर्ड पे एंटर हुई, 4 उसको टोटल टाइम लगेगा प्रोसेसिंग होने में. सो सेवंथ डे पे वो बाहर आ जाएगी. जैसे ही सेवंथ डे पे फ्री हुई मशीन, ई जॉब एंटर हो जाएगी, ई का प्रोसेसिंग टाइम 7. सो 12th डे पे वो कंप्लीट हो जाएगी. जैसे 12 डे पे फ्री हुई मशीन, बी जॉब एंटर हो जाएगी, कितना टाइम है प्रोसेसिंग टाइम, 7. सो 12 प्लस 7, 19th पे वो हो जाएगी फ्री. 19th डे पे डी जॉब हम एंटर करवा सकते हैं, कितना प्रोसेसिंग टाइम है, 19. सो क्या आ जाएगा हमारे पास, 28. देन हमारे पास 28th पे एफ हो जाएगी एंटर, एंड कितना टाइम लेगी, 13 डेज. सो 41st डे पे हमारा क्या है, सभी जॉब्स कंप्लीट हो जाएंगी. ये 41st हमारा क्या होता है, मेक स्पैन, हमें ये पढ़ा हुआ है. सो ड्यू डेट लिख लेनी है हर एक जॉब की. एक जॉब के ड्यू डेट क्या है, 8. देन सी जॉब की 4. सो जिस जॉब की जो ड्यू डेट है उसी के सामने लिखनी है. ई के सामने 17, बी के सामने 16, डी के 18 एंड एफ के 19. सो हमने क्या करना है, नेक्स्ट लेटनेस हम फाइंड आउट करते थे. लेटनेस में ई एंड टी की वैल्यूज, ई क्या है अर्लीनेस एंड टी क्या है टार्डीनेस. अर्लीनेस क्या होता है, जो हमारे पास फ्लो आउट टाइम है, फ्लो आउट के सभी, हमें क्या करना है, दिस माइनस दिस करना है उसकी ड्यू डेट. सो 3 माइनस 5, अगर वो नेगेटिव में होगा वो अर्लीनेस में आता था. ठीक है, तो 3 माइनस 5 क्या है, नेगेटिव में, ये अर्लीनेस में आएगा. देन 7 माइनस 4, ये पॉजिटिव में है तो वो टार्डीनेस में आएंगे, पॉजिटिव वाली टर्म्स टार्डीनेस में. ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमें सी जॉब क्या 4 दिनों में चाहिए थी, लेकिन वो कब हो रही है कंप्लीट, 7th डे पे, तो 3 दिन लेट हो गई. तो टार्डीनेस का मतलब है 3 दिन वो लेट चल रही है जॉब. देन हमारे पास नेक्स्ट ई जॉब का देखिए, 12 माइनस 17 माइनस 5, नेगेटिव में है तो अर्लीनेस, 19 प्लस
ये आ जाएगा प्लस थ्री में, देन दिस माइनस दिस प्लस टेन, दिस माइनस दिस ये आ जाएगा प्लस 22। सो हमने पूछा क्या है निकालने के लिए, एवरेज टार्डीनेस। क्लियर? सो क्या होती है एवरेज टार्डीनेस, टोटल टार्डीनेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। तो क्या आ जाएगी हमारे पास टोटल टार्डीनेस, इनका सम। सिर्फ टार्डीनेस वाली टर्म्स देखनी है क्योंकि हमें एवरेज टार्डीनेस पूछा गया है। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस क्या आ जाएगा, 3 + 3 + 10 + 22 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 जॉब्स हैं। ठीक है, ये 4 है इसलिए 4 नहीं लिखना है ये, क्योंकि हमारे पास जो दो जॉब्स हैं वो क्या है, अर्लीनेस। तो इसका जो टार्डीनेस हम 0 0 मान के चलते हैं, तो जो हमें एवरेज निकालना है वो टोटल से ही निकालते हैं हम। ठीक है, सो ये आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 6, क्या आ जाएगा इसका, 6.33। क्लियर, 6.33 हमारा क्या है, एवरेज टार्डीनेस आ गई। सो हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 6.33, ये हमारा आंसर आ गया।